सब्सक्राइब कीजिए सिंपल्स किचन को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो। इट्स टोटली हेलो फ्रेंड्स, सिमेंस किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पे चिकन कटलेट बनाने वाले हैं, या आप इसे शामी कबाब कह सकते हो। नॉर्मली हम जब भी चिकन कटलेट बनाते हैं तो उस पर या तो ब्रेड क्रम लगाते हैं या तो फिर अंडे की कोटिंग लगाते हैं, लेकिन आज हम इस अंडे की कोटिंग के साथ साथ इस पर हम सेवई भी लगाएंगे, जिसकी वजह से हमारे जो शामी कबाब है बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हो जाएंगे। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 500 ग्राम चिकन। ये 1/2 kg चिकन है जिसको मैंने यहाँ पर छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से कट कर लिया है। ये बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, आप अगर चाहे तो विद बोन भी ले सकते हैं। आलू ले लिए हैं मैंने यहाँ पे 7 से 8। मैं यहाँ पे छोटे वाले आलू इस्तेमाल कर रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा लिए हैं। आप अगर बड़े वाले इस्तेमाल कर रहे हो तो बस 2 आलू आप बड़े वाले ले सकते हैं। तो इतने आलू इतने चिकन के लिए हमें चाहिए है। नेक्स्ट अब हमें कुछ इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो इन सब में अब मैंने यहाँ पर ली है ब्राउन कलर की सेवई। ये आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, ये भुनी हुई ब्राउन कलर की सेवई जो है आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, जिसकी हम कोटिंग करने वाले हैं। तो ये मैंने ली है 1 कप। नेक्स्ट अब मैंने यहाँ पे 2 अंडे ले लिए हैं जिसे हमें फेंट लेना है। 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, नमक हम अपने स्वाद अनुसार लेंगे, धनिया पाउडर ले लेंगे 1 टेबल स्पून, और यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून, और मैंने यहाँ पे कुछ लहसुन की कलियाँ ले ली है जिसकी वजह से ये और टेस्टी बनेगा, और 7 से 8 हरी मिर्च। मैं यहाँ पे लाल मिर्च और हरी मिर्च दोनों का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, तो तीखा आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, नमक मिर्च आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अदरक और लहसुन की पेस्ट ले लेंगे 1 से 1.5 टेबल स्पून। अब इन सब के अलावा इस डिश को और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए मैं यहाँ पर मीट मसाला या मटन मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड का मीट या मटन मसाला जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसे बनाने की जो फर्स्ट स्टेप है, तो यहाँ पे सबसे पहले बोनलेस चिकन और आलू जो है उसको हम बॉईल कर लेंगे अदरक लहसुन और नमक के साथ में। इसे हमें बॉईल कर लेना है। आप बोनलेस की जगह पे विद बोन भी ले सकते हैं और बाद में इसको इस तरीके से दसी दसी इसकी अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे काफ़ी अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया है, 1 से 2 सीटी आने तक के प्रेशर कुक करना है इसे हमें। तो यहाँ पर मैंने इसे प्रेशर कुकर में किया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो यहाँ पर ग्राइंडर जार ले लेंगे, मिक्सर जार ले लेंगे, इसमें हम यहाँ पे हमारे आलू और चिकन को ऐड कर लेंगे। अब इसी में अब हमारे सारे जो पाउडर मसाले और हरी मिर्च लहसुन जो है उनको हमें यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो ग्रीन चिली यानी कि हरी मिर्च लहसुन ऐड कर देंगे, साथ ही में यहाँ पे काली मिर्च, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक भी इसी में ऐड कर देते हैं। और मीट मसाला जो मैंने यहाँ पे लिया था उसके हमें यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऐड कर लेना है, और इन सारी चीज़ों को मिक्सर से निकाल करके अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। इन सबको अच्छे से ग्राइंड करने के बाद मैं यहाँ पे हाथों पे अच्छे से ऑयल लगा लूँगी, हाथ को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लूँगी ताकि हम अच्छे से कटलेट बना सकें। थोड़ा सा पार्ट ले लेंगे इसका और अपने हाथों से इसे गोल इस तरीके से घुमाते हुए इस अच्छा सा शेप दे देंगे। अब हमें इसे कबाब का शेप देना है। आप अगर चाहें तो किसी कटलेट शेप में भी इसे बना सकते हैं, आपकी चॉइस है कि आपको इसे किस शेप में खाना है। तो अपने हाथों से इस तरह से दबाते हुए इस तरह से यहाँ पे इसको कटलेट का शेप यानी कि कबाब का शेप दे देंगे, और जिस तरह से मैंने आपको ये दिखाया है इसी तरीके से मैं बाकी के सारे हमारे कबाब को भी बना लूँगी। ये देखिए हमारे बाकी के सारे कबाब जो है वो भी बनकर तैयार है। बहुत भी ज़्यादा मोटा नहीं रखना है हमें इसे, क्योंकि इस पर अंडे की और सेवई की कोटिंग भी आएगी तो ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मोटा हो जाता है। तब यहाँ पर ये बन करके तैयार है, इसे साइड में रखते हैं और चलते हैं इसकी कोटिंग की तरफ। तो यहाँ पर हमने जो 2 अंडे लिए हैं उसको हम फेंटेंगे, और साथ ही में सेवई जो है उसको एक प्लेट में फैला लिया है। अंडे में मैंने थोड़ा सा यहाँ पे नमक ऐड कर दिया है, आप चाहे तो थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं ताकि ये फीका फीका ना लगे। इसे अच्छे से फेंट लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे एक कटलेट ले लेते हैं। अब इस कटलेट को सबसे पहले हम अंडे में डीप कर लेंगे, इसे अच्छी तरीके से अलट पलट के यहाँ पे अंडे में कोट कर लेंगे, और फिर हम इसे सेवई में ऐड कर देंगे। और अच्छी तरीके से सेवई की कोटिंग इस पर कर लेते हैं, अंडा लगा हुआ है इसके वजह से सेवई की जो कोटिंग है वो भी आसानी से चिपक जाएगी। मैं यहाँ पे बस 1 कोटिंग कर रही हूँ, आप अगर चाहें तो डबल कोटिंग भी कर सकते हैं, ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा खाने में। अगर आपके पास सेवई अवेलेबल नहीं है ना तो आप बस ब्रेड क्रम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बनकर बिल्कुल तैयार है, अब चलते हैं इसे फ्राई करने की तरफ। इसी तरीके से बाकी के सावे भी बना लूँगी। तब तक मैंने यहाँ पर तेल भी गर्म के लिए रख दिया था, तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, और उसके बाद मैं यहाँ पर 1-1 करके हमारे सावे जो कबाब है उनको ऐड कर दूँगी।
मेक श्योर आप जो तेल इस्तेमाल कर रहे हो वो अच्छे तरीके से गर्म होना चाहिए, नहीं तो हमारी जो सेवई है वो खुलने लगेगी, छूटने लगेगी। इस वजह से तेल अच्छी तरीके से गर्म हो तभी हम इसमें जो कबाब है वो ऐड करेंगे। अब गैस की फ्लेम को हम मीडियम टू हाई रखेंगे क्योंकि चिकन जो है उसको हमने पहले ही बॉईल कर रखा था, तो चिकन अंदर से पका हुआ है। अब हम यहाँ पे गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे और इसे दोनों साइड से अलट पलट के गोल्डन ब्राउन होने तक के फ्राई कर लेंगे। इसकी वजह से ऊपर एक बहुत ही अच्छा सा कुरकुरा ऐसा ऐसा टेक्स्चर आ जाएगा और हमारे जो कबाब है वो भी अंदर तक के अच्छे से पक जाएंगे। तो जब दोनों साइड अच्छे से हो जाएंगी उसके बाद हम यहाँ पे इसे निकाल लेते हैं। सबसे पहले किचन नैपकिन या किचन टॉवल पे निकाल लेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए, और उसके बाद हम यहाँ पे इसे सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेंगे। और इसी तरीके से मैं यहाँ पे बाकी के हमारे जो कटलेट्स है यानी कि कबाब है उनको भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी, और इनको फ्राई करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसे सर्व करके। तो यहाँ पे जिस तरह से मैंने आपको दिखाया था उसी तरीके से मैंने यहाँ पे सारे के सारे हमारे शामी कबाब अच्छी तरीके से फ्राई कर लिए हैं और ऊपर से यहाँ पे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल के इसे गार्निश कर लिया है। तो आज की हमारी ये बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी बन करके तैयार है। आप इसे पहले भी बना के रख सकते हैं और डीप फ्रिज में रख सकते हैं, जब भी आपके घर में कोई मेहमान आए तो आप इसे आप डायरेक्टली फ्राई करके दे सकते हैं। तो कल फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।